जय भद्रू विशाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज के ब्लॉग की स्वागत कर जो मेरी सीखें अपनी चाचू के घर से। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और अभी सुबह के बज चुके हैं 7, तो अभी फिलहाल बस थोड़ी देर पहले उठे हम, अभी कुछ नहीं किया। और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं थोड़ा सा नटराज, क्योंकि उसी के लिए मतलब सामान देना है। आप लोगों को पता है वो देहरादून रहती है, मतलब हॉस्टल में है ना, हॉस्टल में रहते हैं ना, तो कुछ कोर्स वगैरह कर रही हूँ वहाँ से, तो इसीलिए। बाकी आप लोग, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि खुशी क्या है, शायद से एक का कमेंट आया भी था, मुझे इतना ध्यान नहीं है, खुशी के बारे में पूछते थे खुशी क्या है ये वो। तो खुशी रहती है देहरादून, तो वो कुछ कोर्स कर रही है, तो इसी वजह से हॉस्टल में रहती है, फिर कॉलेज भी जाती है वही। और उसके लिए मतलब सूट देना था उसका किसी के पास, तो एक लड़की रहती है उधर की साइड, तो अभी सुबह सुबह जाने वाली है बस में, तो शिवानी में नटराज में जाने वाले उसका सामान देने के लिए। और इस लड़की के आजकल पेपर चल रहे हैं, तो ये लगी हुई यहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई करने पे। यहाँ देखो सुबह सुबह उठ जाते, सच में मुझे पता भी नहीं चलता, लेकिन थोड़ी सी ऐसी झलक सी होती ना तब चलता पता कि हाँ ये उठ गई है। और ये दोनों यहाँ पे बैठ रहे थे, चाची और गुड मॉर्निंग और शिवानी, इसको देखो यहाँ। अभी फिलहाल हम नाश्ता दे के आते हैं, तो अभी फिलहाल हम खुशी का सामान दे के आते हैं। उसने सूट वगैरह मंगा रखे ना, कुछ पार्टी पुटी होगी तो तब, तो उसके सूट वगैरह दे के आते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे हम नाश्ता। और आज के नाश्ते में हम क्या बनाने वाले वो आपको तब दिखाते हैं, बाकी अभी हम निकलते हैं घर से। तो अभी क्लास में आ गए सुबह सुबह, नटराज शिवानी भी आती है, क्लास में बोला मैं चलता हूँ। हम गोरा देवी चौक आ चुके हैं और वो हमें अभी तक नहीं मिली जिसके पास खुशी का सामान देना है। जिसके पास हम सामान दे रहे ना, वो वही मतलब वही कॉलेज वगैरह करती है, तो शायद से अप डाउन करती है। और ये देखो चाची ने इसमें खुशी के कपड़े और खीरा वगैरह रखा हुआ खुशी के लिए। अभी आगे क्लास, तो दोस्तों अभी हम नटराज आ गए एंट्री मणि बडोनी चौक यहाँ पे। और सुबह सुबह गाड़ी की वो स्मेल सुन के ऐसा लगता है जैसे हम गांव जा रहे होंगे। मुझे तो ऐसे लगता है जब मैं सुबह सुबह गाड़ियों की स्मेल सुनती हूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं गांव जा रही होंगी, बहुत अजीब सी स्मेल आती है यार। खुशी का सामान भी दे दिया और अब हम जा रहे हैं घर। जाके हम नाश्ता क्या बनाने वाले हैं वो आपको जाके बताएंगे। अभी मैंने इस लड़के को बड़ी मुश्किल से बोला कि हरी मिर्च लेके जानी है। चाची कब से बोल रही थी हरी मिर्च भी लेके आना। अरे ओला लगा देंगे। तो अभी फिलहाल क्लास ने मुझे गली के बाहर से उतार दिया, वो जा रहे थे कुछ काम से और मैं जा रही हूँ घर। अभी यहाँ पे ये देखो आलू छिल रहे हैं, देखो। और आज हम बनाने वाले गुलतिया, पहाड़ी गुलतिया स्पेशल। ये यहाँ पे ब्रश कर रही है, ये बोल रहे कल गाँव जा रही थी, मजाक से थे ना, माँ का समझा मजाक करने बोरी मानी कर रहा माँ का संग खाए। सच में सच्ची बात है यार, नक जगार। तो अभी फिलहाल यहाँ पे बना रही हूँ चाय, अच्छे से उबाल वाली दूध इस पे। रंजना के हाथों की स्पेशल चाय पी आ जाओ आप लोग भी। इनको देखो अभी आलू छिलने पे लगे हैं ना। चाची बोल रही है ऐसे, तो जिसके पास सामान दिया ना
ऐसे तो नहीं बोला बोला उसने कि सामान ज़्यादा तो नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोला उसने। तो वैसे आप लोगों को पता चल गया आज की किसी ब्लॉग में क्यों नहीं दिखती है, तो इसी वजह से क्योंकि वो कॉलेज वाला हॉस्टल में रहती है और इसको देखने स्कूल के लिए तैयार होती है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखो चाय बन चुकी है, तो अभी हम चाय पीते सुबह की नमकीन बिस्किट, चाची के लिए रोटी, ये चाय। चाची शिवानी को बोल रही है अभी इसी की सासू जी भी आएंगे ना, तो उन्हीं के साथ जाना की ये मल्ला का चाय। तो अभी यहाँ पे आलू के गुटके तो बना लिए, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं इनको भुने हुए आलू, ये तो बनाते हैं। यहाँ गुड़ रखा हुआ है प्रसाद बनाने के लिए, ये लड़की पानी भरते हैं और इसको बोलते हैं वैसे पार्टी का हलवा, लेकिन हमारे पहाड़ में बोलते हैं इसको गुड़िया। तो आज हम बनाने वाले काफी टाइम बाद गुड़िया, ये पानी भरने पर लगी है, हंस भी रही है वो साथ साथ में। तो चलो अभी फिलहाल गुड़िया बनाते तमिल का। तो दोस्तों कल ना पता क्या हुआ, हमने ऐसे कोमल ने गाने लगाए हुए थे देवता वाले, तो हम भी नाच रहे थे ठीक है, और ना मैं ऐसे ऐसे करके नाच रही थी, मेरी हाथ दर्द हो रहा है तेरे मेरे पाँव पे दर्द, इसके पाँव में दर्द हो रहा। अब मैं तो जैसी कल रात को बिस्तर में लेटी ना, मुझे वैसी नींद आ गई थी, मुझे तो नींद ही नहीं आई, एक तरह सो गई थी, पर मैं तुम्हें और तुझे और कोमल को देखने पे लगी थी, मुझे नींद ही नहीं आई। मैं बोल रही बोली कैसे सो रखे है और इसको नींद ही नहीं आएगी, और मैं तो मुझे मेरी नींद ना सीधा सुबह खुली, सच में यार की भयंकर वाली नींद आई ना कल, तो क्या ही बोले। अभी फिलहाल हम नाश्ता बना रहे सुबह का, आज मैं बस सुबह सुबह का डालूंगी, मतलब एडिटिंग करके अभी डालूंगी थोड़ी देर में ब्लॉग में। और अभी यहाँ पे ये हो चुका है, इसमें आटा मिलाते हैं अब ठीक है, चल आ जा। तो ना इसमें आटा डाल के मैं इससे मिलाने वाली थी, चाची ने बोला दूली, क्या बोले दूला दूला दूलू हलवा खाने का, मतलब हलवा मिक्स करने का, ये देखो तभी हम इससे करने वाले। और गांव में भी ऐसी है, गांव में भी ऐसी है, इसी से खनते हम, खनते मतलब मिक्स करते हैं, खेल बने खेलन पर गुलथिया। तो ये देखो गुलथिया बन चुका है, इसने कढ़ाई पकड़ी और मैंने मिक्स किया ऐसे ऐसे करके, आप लोगों को पता है कितना मुश्किल होता है इसको मिक्स करना, वो भी पानी में, फिर आटा उटा डाल के, घी मैंने पहले डाल रखा था, फिर बाद में जब मिक्स किया तब भी घी डाला। और अभी ये देखो कितना सॉफ्ट सा है, यहाँ देखो बिल्कुल भी ऐसे देखो हाथ पे नीचे बात रहे, इतना सॉफ्ट बनता है ये गुलथिया आटे का हलवा। तो अभी ये बहुत अच्छा बनाया इसने गुलथिया का, गुलथिया का हलवा। तो अभी फिलहाल ये बन चुका है, अब हम नाश्ता करते हैं, आपको मिलता है नाश्ता करने के बाद। तो अभी फिलहाल हमारा नाश्ता भी हो चुका है और आज का ब्लॉग बस मैं इतना ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब दूसरा पार्ट बनाऊंगी, हम मार्केट जाएंगे, और सुबह का मतलब यही था, ऐसे करते हैं हम जब भी सुबह उठते हैं तो सबसे पहले चाय चूई पीते हैं, पानी पूनी पीते हैं। और आप लोगों को पता चल गया कि खुशी ब्लॉग में क्यों नहीं दिखती है, तो वो जा रखी है देहरादून, तो वो कुछ कोर्स कर रही है, तो हॉस्टल में रहती है, तो बस वही उसके कपड़े देने गए थे। अभी फिलहाल हमारा नाश्ता हो गया है, अभी फिलहाल नाश्ता हो गया और ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलता आपसे दूसरे ब्लॉग में, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।